नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के चतरगढ़ पट्टी में। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा हो जाता है साथियों, और उसके बाद में उनका छोटा बच्चा उनसे बिछड़ जाता है और बिछड़ कर दिल्ली पुल से बाजेका मोड़ की तरफ चला जाता है साथियों। लेकिन मैं आपको हमेशा से एक बात बताता हूँ, सेवा सुरक्षा सहयोग। साथियों, अशोक कुमार जी ने इसको सच साबित कर दिया। साथियों, हम इनको सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। इन्होंने इनके बच्चे को, छोटे बच्चे को इनसे मिलवा दिया है साथियों। पुलिस का काम साथियों क्राइम को रोकना, और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, लोगों की सेवा करना होता है, वो काम अशोक कुमार जी ने बखूबी निभाया है। हम इनको सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, और इसके साथ साथ इनकी वजह से साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनकी वजह से पुलिस की जो गरिमा है वो बची हुई है साथियों। तो नमस्कार जी अशोक कुमार जी, पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या, आप बताएं। नमस्कार जी, मैं डायल 112 से इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार। मेरे को सूचना मिली कि बाजेका नाके पर एक लावारिस बच्चा है, जिसको मैंने तुरंत प्रभाव से मैंने कुल ही 7 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचा और मैंने बच्चे को अपने कब्जे में लिया और अपनी गाड़ी में बैठा के बच्चे को बड़ा चपड़ा के उसको बड़ी अच्छी तरीके से उसके बारे में पूछताछ की, जो उसने अपने पापा का नाम बताया और उसने चतरगढ़ पट्टी सिरसा राजू एम सी वाली गली में अपना एड्रेस बताया। उसके बताए हुए पते के अनुसार हम इसके पिताजी मिला मौके पर और हमने उसके सही सलामत उसके हवाले कर दिया है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, उसके माँ बाप से मिलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन अशोक कुमार जी ने बच्चे को आराम से गाड़ी में बिठाया और उसके बाद में उससे एड्रेस पूछा। एड्रेस पूछने के बाद में ये अब इन बच्चों को इनसे माँ बाप से मिलाने के लिए आए हैं। तो बच्चे का जो पिताजी हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है भाई साहब? त्रिभुवन सानी। हाँ जी, क्या बात हुई थी, बात बताइए। घर वाली थोड़ा मेंटल टाइप का जी, तो मतलब कि घर से निकाल देता है बार बार मेरे को। जहाँ जाता हूँ वहाँ से रूम खाली हो जाता है उसका, रह नहीं देता है किसी को पास। तो इसी वजह से हमारे दोनों में लड़ाई चल रहा है। काम करके आता हूँ, रोटी नहीं देता है मेरे को खाने के लिए। नहीं, तो रोटी तो नहीं देती, लेकिन आप अपने बच्चे की ध्यान नहीं रख सकते क्या? नहीं, ये चले गए थे बच्चे, मतलब कि मैं सो गए थे वहाँ पे, तो ये बच्चे निकल गया था वहाँ से। या अभी ये बता रहा है लैट्रिन करने, मैं ढूंढा वहाँ पे आसपास में, ये मिला नहीं। फिर उसके बाद हमने सोचा कहीं चला गया होगा वहाँ पे घर पे, तो इसी वजह से मैं इनको ढूंढ के अपना आपसी आ गया। तो सिरसा पुलिस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या कह सकते सर, धन्यवाद नहीं करोगे इनका? धन्यवाद तो करूंगा जी, धन्यवाद तो है ही, बहुत उपकार किए हैं इन्होंने। तो आप कह रहे हो ना, अभी क्या कह सकते हैं, धन्यवाद करो यार। हाँ, धन्यवाद कर रहे हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया है, मतलब कि हमें बच्चे को मिला दिए। लेकिन इसके बाद में आप अपने बच्चे की ध्यान रखोगे, इधर उधर नहीं खेलने दोगे, इधर उधर नहीं छोड़ोगे आप? नहीं, अब तो हम जा रहे हैं बस वो बहादुरगढ़ जा रहे हैं, बहादुरगढ़ वहाँ मेरा भाई है और बहन है, वहाँ पे चले जाएंगे हम। घर वाली कहाँ गए वो तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि दो बच्चे को साथ में लेके गए हैं, अब हमें पता नहीं जी कौन सी जगह गया। आपने अपने 70 पर बच्चे को ढूंढने की कोशिश नहीं की? हाँ, ढूंढे हैं जी, यहाँ पे उधर गए थे ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ नहीं मिला। फिर हमने आके यहाँ बैठ सोच में डूबा हुआ था, मैंने बहुत मतलब अफसोस हो रहा था मेरे को, ये बच्चा कहाँ गया नहीं गया, अगर ये यहाँ पे होते जी तो ये मेरे को ढूंढने जरूर आता। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जी, जैसे भाई बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं, क्या कहना चाहोगे आप? हम तो आमजन से यही रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को संभाल के रखो, अकेले में कहाँ कहीं भी ना जाने दें, और उनको अच्छी जहाँ भी जाते हैं तो कम से कम उनकी जेब के अंदर फ़ोन नंबर जरूर डालो, ताकि हम उस एड्रेस के हिसाब से अगर बच्चा मिल भी जाता है तो हम उनके दिए हुए पते पर पहुँचा सकें। तो साथियों, अशोक कुमार जी ने एक बहुत अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बच्चे को माँ बाप से मिलाया है साथियों, और हम इनको सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। क्या आपको हमारा सलूट और सलाम स्वीकार है? बिल्कुल जी, सलाम है आपका, सलूट बिल्कुल हमें मंजूर है। आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारा पुलिस का भी बहुत सहयोग कर रहे हैं आप। सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।